देश का बंटवारा नहीं, ये खानदान का बंटवारा है, दिलों का बंटवारा है जो देश के बंटवारे के बाद शुरू होता है। 1947 के तूफान के बाद जब लोग अपने अपने घर बदल रहे थे, तब धनीराम का खानदान पिशावर से उठकर देहरादून में आ बसा और फिर भैया सिबिजोल के चंद शीशे अंत ले आइए। अच्छी बात है। सुनिए मिस्टर, आपके पास ये दवा है, कितने ज्यादा लगेंगे? यही 11.5 रुपए। 11.5 रुपए? मगर साहब इसकी असली कीमत तो 2.10 रुपए है, आप 11.5 मांगते हैं, ब्लैक मार्केट करते हैं। ये बात नहीं, दरअसल बात कह तो दिया कि मेरे पास नहीं है, दूसरी दुकान से ले लीजिए। कैसा जमाना आ गया, जिसे देखो वही काले बाजार का धंधा करता है। ईमानदारी तो इस दुनिया से उठ गई है, जी है नहीं, दाम ज्यादा लगेंगे। ना ये भी कोई बात है, आखिर हम दवा लेने जाए कहाँ? अजी यार यूदी क्या आ गए हैं, हर चीज को आग लग गई है, कोई भी चीज ठीक दामों से मिलती ही नहीं। क्या बात, अजी लाना था इन लोगों पर, शर्म नहीं आती, दवा जैसी चीज ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है साहब। मगर आपको कौन सी दवा चाहिए? मुझे ये दवा चाहिए। ये दवा तो अंदर है। है तो, मगर असल दाम पर देता कोई नहीं। आइए मेरे साथ। ब्लैक में दवा बेचता है? जी नहीं, ये तो और तू आंखें बंद करके दुकान पर बैठता है। बेचता नहीं, तेरे सामने ईमान बेच रहा है और तुझे कुछ मालूम नहीं। जानते हो ये सब दवाएं हमारे पास मरीजों की अमानत है, पूरा मेरे सामने से बेईमान औलाद से बे औलाद रहना बेहतर है। मैं कहता हूं दूर हो जा। दवा दे दो इन्हें। एक प्राण, अगर तूने फिर कभी ऐसी हरकत की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कितने पैसे हुए? 2.10 रुपए। 2.10 रुपए, ये लीजिए 2 रुपए और एक ये 10 आने। ये लीजिए। मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूंगा? माफ कीजिए, इस दुकान से आइंदा किसी को भी इस किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
अच्छा जी नमस्ते। ईमानदारी इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं इंसानियत। अरे बेईमानो, सबक सीखो इस रिफ्यूजी से, जिसे तुम शरणार्थी कहते हो। काले बाजार का धंधा कर करके तुम सबका खून काला हो गया है, धर्म काला हो गया है। ये नहीं जानते कि जिस देश के लोग काले बाजार का धंधा करते हैं वो देश मिट्टी में मिल जाता है। वही कुर्बान धनीराम, आज तुमने हम सब की इज्जत रख ली। 16 आने सच कहता है, जिस आदमी का धर्म नहीं ईमान नहीं वो आदमी हैवान के बराबर है। अजी ये काला बाजार करने वाले तो जानवरों से ही बदतर होते हैं। अरे काहे का सर मचाया लल्ले, जाओ अपना रास्ता नापो, नहीं तो राम कसम हम तुम्हार गर्दन नाप देव। हाँ अबे जाता है कि नहीं अभी देखता है। क्या भेड़ी दल की दरी लगी क्यों चौबे जी? अरे चौबे जी, ये सुसरा घंटे भर से हम सबको गालियां दे रहा था, हम सबको बेईमान बताता था। अरे हम सर जाने थो बाबू, जब तक चौबे जी ये बाजार में है ना, तब तक कौनो ससुरन का मजाल है जो है बाबू लोगन के आंख दिखा दे। अरे सुगना बोले मेरी मेरा बच्चा। काका सुहागन, अरे ये लोग कहाँ चले गए? सुहागन आज काका नजर नहीं आते। हाँ वो हरिद्वार चले गए हैं ना, अभी शाम की गाड़ी से आते ही होंगे। आज काका को फिर पेशावर याद आ गया। हाँ वो अपना वतन तो भूलते ही नहीं। हाँ वतन कैसे भुलाया जा सकता है, हम नहीं भूल सके। और काका ने तो 80 बरस गुजारे हैं वहाँ, मट्टी अपनी मन नहीं भूल सकती। अच्छा अच्छा बहू चाय ले आई। अच्छा अपने ही हाथ से एक प्याला बना, हमारी सास को बहुत सी शक्कर डाल देती है। शक्कर नहीं, मेरे हाथ में मिठास ही बहुत है। तू तो गन्ने की पोर है ना। चल बहू तू भी बना दे चाय। लो जी छोटे साहब आ गए, ऐसा मालूम होता है कि तूफान आ गया। भाभी एक कप चाय दो, भाभी एक कप चाय जल्दी से, शक्कर दो चम्मच। जल्दी करो ना भाभी मुझे देर हो रही है। अरे भाई आराम से जरा दो मिनट सांस तो लो। बाबूजी आपको कुछ नहीं मालूम है, मुझे मैच खेलने जाना है, देर हो रही है मुझे। हाँ मदन तुझे तो हमेशा ही जल्दी। हाँ हमेशा कहा, जरा आज जरा देर हो रही है और सब नाराज होने दो ना। अरे ये तो तेरे बाप की है। बाबूजी मैं भी दाफी का बेटा हूँ ना। बदमाश, एक बात तो हूँ सुहागन, परदेश में आदमी को अपने ईमान का बहुत खतरा रहता है। कैसा खतरा? अब यही देख लो, इस गंगा जमुना की धरती पर आकर भी तुम्हारे मंझले बेटे ने आज काले बाजार में दवा बेचने की कोशिश की। आपने उसे कुछ कहा तो नहीं? कहा तो मगर कुछ मजा नहीं आया। भला एक तमाचे से मेरी औलाद का कुछ बनता है? आपने जवान लड़के के मुंह पर तमाचा मारा? अभी तो सिर्फ एक तमाचा ही मारा है, अगर उसने आइंदा ऐसी हरकत की तो गोली मार दूंगा। मैं कहता हूँ सुहागन, अगर ईमान ही बेचना था तो हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वतन तो छोड़ना पड़ा, अब क्या ईमान भी बेच? सुहागन लो काका आ गए, थोड़ा भेज दे बेटा। काका राम राम। मैंने कहा राम राम काका। ले आ राम राम। आज हरिद्वार जाके भी शांति नहीं मिली सुहागन, मैं कहता हूँ वो हर की पौड़ी में भी रस नहीं रहा। क्या हरिद्वार गए थे? हाँ हाँ हरिद्वार गया था। क्या लाया? क्या लेने गया था मैं? प्रसाद और क्या? हाँ हाँ प्रसाद प्रसाद नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? धनिया देख तू तो जिरा करना शुरू कर देता, मैं गंगा मैया से नाराज हो गया। मगर क्यों नाराज हो गया? मेरी मर्जी। अब बोल। ये अच्छी मर्जी हुई भाई, जब पिशावर में थे तो कहते थे कि पोते बड़े हो गए हैं, अब हरिद्वार जाकर बैठ जाने को तबीयत चाहती है, और अब जब गंगा के किनारे घर बसाया है तो गंगा मैया से रोज नाराज हो जाते हैं। ओए ये कैद है, कैद कैद किस बात की? इतना अच्छा शहर है, घर बार है, परिवार है। तू मेरे दिल की बात नहीं समझ सकता? तो समझा दो ना काका। इतना बड़ा हो गया है, बेटे हैं पोते हैं, क्या तू अभी बच्चा है, तुम्हें क्या समझाऊं? तो मुझे भी बच्चा ही समझ लो ना। बेटे आज तेरा लाड को देखकर
अगर तेरी माँ जिंदा होती तो उसकी छातियों में भी दूध उतर आता। मैं मंदिर जा रहा हूँ काका। बदमाश, मुझसे भी मजाक करता है। अरे बाबू, वो बल्टो ही दे देना, दूध दो दूं। न जाने ग्वाला कब आएगा। अरे बच्चों, आओ आओ। अच्छा आओ बेटे, आओ आओ। अच्छा बेटिया, मैं भी चलूं काका। मैं भी चलूं। चलो बेटा, दूध की धारें ले लो। चलो चलो। सो जाइए ना, रात बहुत हो गई है। अभी कुछ काम बाकी। आज बाबूजी बहुत गुस्से में थे आपके। अब कौन समझाए उन्हें। एक दवा पे जरा ज्यादा मुनाफा लेना चाहता था कि बस बिगड़ गए। मुनाफा लेने में तो कोई बुरी बात नहीं, ये तो दुकानदारी है। लेकिन बाबूजी से चोरी समझ। कमाई चोरी कैसे हो गई जी? यही तो मेरी समझ में नहीं आता। मैं कहती हूँ जल्दी समझ जाइए तो अच्छा है, वरना सारी जिंदगी बाप और भाई की गुलामी में कट जाएगी। अब क्या करूं कला, बाबूजी का डर है वरना। डरते रहिए, यहाँ कौन रोकता है। अपनी जिंदगी तो बिना सोने चांदी और कपड़े के कटी रही है। तो राम जाने बेचारे इस रमेश का क्या होगा। तुम तो जानती हो हमारा खानदान साझा है, सुख दुख सब कुछ एक है। इस घर में हम में से कोई एक भी कोई भी बुरा काम करेगा तो सारा घर बर्बाद हो सकता है। ये तो है, प्राण को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें तो सारे खानदान की बदनामी है, आपको भी उसे समझाना चाहिए। और तू सच कहना है बेटे, इसका बाप कभी पास नहीं हुआ था तो ये क्या होगा। होने दो ना फेल काका, मैं अभी जिंदा हूँ। 20 बरस भी फेल हो तब भी डॉक्टर बना कर रहूंगा। सुन लिया भैया, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, क्या समझे। खूब समझा भाई, तू डॉक्टर बना कईयों के चिराग गुल। गुल नहीं भैया, रोशन। डॉक्टर मदन, MBBS। मगर मदन, तेरा कॉलेज ऊपर है क्या। कॉलेज नहीं भैया, वो स्कूल। मेरा मतलब है वो ठंडी हवा में मेरा दिमाग है ना, खूब चलता है। Feeling an emotion. Thank you.
माँ मैं मसूरी जा रहा हूँ माँ मुझे कुछ रुपया दे दो ना माँ माँ मसूरी में सुनो भाव रुपये चाहिए माँ माँ देखो सब मोहल्ले के सब लोग जाने सुनो फल देखने के मुझे 20 रुपये दे दो ना माँ माँ पूजा बाद में करो ना मुझे कुछ रुपये दे दो ना माँ स्वामी दुख बिन से मन का भाभी सुख संपत्ति भाभी भाभी क्यों चिल्ला रहे हो भाभी चिल्ला नहीं रहा हूँ 20 रुपये दे दो माँ ने कहा है माँ ने कहा है हाँ भाभी माँ ने कहा है अच्छा अपनी माँ से पूछ के नहीं नहीं भाभी तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है मैं झूठ बोलता हूँ नहीं मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं भाभी मैं तुम्हें पाव बढ़ता हूँ 20 रुपये दे दो ना किस लिए भाभी सब लोग जा रहे हैं कहाँ मसूरी भाभी मसूरी में क्या है सुनो भाभी सारा कॉलेज जो है ना वो स्नोफॉल का स्टडी करने के लिए जा रहे हैं भाभी अच्छा, सारा कॉलेज जा रहे हैं हाँ भाभी वो हमारा प्रिंसिपल जा रहा है हमारे प्रोफेसर जा रहे हैं हमारे सारे स्टूडेंट जा रहे हैं वो राम और श्याम ने अपने वो गली में रहते हैं भाभी प्लीज है मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ भाभी तुम जो काम भी बोलोगे मैं करूंगा झाड़ू लगाने को बोलोगे बर्तन मारने को सब काम करो भाभी अब मैं फिलहाल ये काम करता हूँ तुम 20 रुपये दे दो भाभी मेरे अच्छे भाभी से 20 रुपये दे दो हुई हवा है अब
जल रही है ये प्यार का उजाला मिलके अमर बनाए आओ शमा जला के हम आज मिलते गाए चलाने दो ना रोकती क्यों दिवाली का दिन है दिवाली तो शाम को होती है शाम को तो हम सब मिलकर आएंगे क्या हो गया आपको कोई बहू सुन ली तो क्या कहेगी क्या कहेंगे यही ना कि हमारा ससुर अभी तक हमारी सास पर जान छिड़कता है मैं उनके घर वाले भी छिड़के कौन रोकता है चुपी रहिए ना अच्छा सुनो आज शाम को जरा बढ़िया से कपड़े पहनकर तैयार रहना और मेरे लिए भी एक नहायत उमदा जोड़ा निकाल कर रखना आज जरा टस निकाल कर दिवाली देखने चलेंगे तुम्हारी बहुएं जलेगी और मेरे बेटे श्री राम श्री राम अरे बाबा मेरा नाम धनी राम है रोज भूल जाती हो लो जी काका मैं तो चला दुकान पर लाइए हमारे रोज का जा जा भगवान तुम्हें नेकी दे ईमान दे लेकिन आप एक आने से ज्यादा देने वाले नहीं ये मैं जानता हूँ बेटा एक पैसे से एक आना कर दिया है तेरा अभी भी तेरा लालच नहीं गया ले ले जा भगवान नेकी दे सुनिए जी आज रात को जरा जल्दी आ जाइयो पटाखे चलाएंगे पटाखे पटाखे हम मेरा काका जी तेरा बेटा भगवान सबको ऐसी औलाद दे पांच रुपए महाराजन जी पेनिसिलिन तो दिलवाइए क्यों घबराते हो यार दिलवा देंगे मगर देखना माल जरा ब्लैक नहीं होता अरे यार कहीं से भी दिलाओ दिलाओ तो सही अच्छी बात है तो माल तैयार रखो मुंशी जी राम राम नमस्ते नमस्ते धनीराम जी मिला देते हैं आपके तांगे पर मेरे ख्याल से अब चलकर बात कर ही लेनी चाहिए आप पर ये सांप को बांबी से निकालेगा कौन अरे हम निकालेंगे और कौन निकालेगा तुम सब इकट्ठा हो जाओ ये तो धर्म का काम है कौन सा पाप का काम कर रहे हैं एक धनीराम के लिए सब लोग भूखे नहीं मर सकते मेरे साथ मुंशी जी थाली तैयार है बिल्कुल तैयार है तो फिर आओ मेरे साथ सुनाइए राय साहब क्या हाल है आपके दमे का इस दवा से कुछ फायदा नहीं हुआ जी फायदा सुना है दमा तो दम के साथ ही जाता है राम राम जी राम राम जी आइए ताराचंद जी आइए आइए आप भी तशरीफ रखिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आप लोगों की धनी राम जी सेवा करने के लिए तो हम हाजिर हुए हैं ए, ए, ये लीजिए ये क्या है दुकान की कीमत आपकी आप अपनी दुकान बेच डालिए क्यों इसलिए कि आपको दुकानदारी करनी नहीं आती दो रुपए में बिकने वाली चीज को आप चार में बेच देते हैं दुकानदारी तो करनी आती है मगर चोरी करनी नहीं आती जी वो अभी पता चल जाएगा लीजिए धनीराम जी ताराचंद जी सबान संभाल कर बात करो दुकान ये बराबर होती है जो सबका पालन पोषण करती है और माँ को कोई नहीं बेचता अल्लाह सुन लो मैंने पहले ही कहा था ना कि वो पठाने उसके दिमाग में बनिए की बुद्धि नहीं है और तुम में बुद्धि है तुम मेरी दुकान नहीं
ईमान खरीदने आया। अगर बुद्धि न होती तो आपकी दुकान खरीदने क्यों आते? आपने तो हमारी दुकानदारी चौपट कर दी। इन्हीं दुकानों से हमने बिल्डिंगें बनाई हैं, इन्हीं दुकानों का आज किराया भी पूरा नहीं होता। हाँ धनी राम जी, दो आने और चार आने कमीशन पे दुकानदारी नहीं चलती, इससे अच्छा भीख मांग लेना। सुनो दीन दयाल, इस दुकानदारी और ईमानदारी पर मैं जिंदा हूँ, सबको पालता हूँ और एक लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है, और साल के बाद जो कुछ बचता है मैं सोना खरीद लेता हूँ। ये देखो मेरे तो कुल्ले पर भी सोना लगा हुआ है। आप लोग मेरी दुकान पर आए हैं इसलिए लिहाज है, वरना हड्डी पसली तोड़कर भेजता। चले जाओ, मैं कहता हूं दूर हो जाओ, ऐसी सौदेबाजी लेकर मेरे पास कभी मत आना। जाओ काले बाजार के व्यापारी। जमाना ही बदल गया धनी राम जी, पहले पंचायत आती थी ईमानदारी से दुकानदारी करो, अब आते हैं इसलिए कि बेईमानी से करो। वक्त की बात। क्यों लाला बंसीधर, दिवाली है भाई, आज अपनी तनख्वाह तो देनी कर दो। क्या चौबे जी, यहाँ से तो हर महीने ले जाते हो, कभी उससे भी तो कुछ लिया करो। अरे कौन ससुरवा की बात करत हो जी, चौबे जी उससे डरते हैं। देखो लाला, चौबे मरण जाना था डरन नहीं, शीश काट के हथेली पर लिए फिरत हूँ। जरा उस बांके का नाम तो बताओ जिससे हम डरत है। वो बैठा है पठान बच्चा लाला धनी राम। हम उससे डरा था, उससे तो इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो चौबे जी, कभी तनख्वाह लिए उससे? अरे अभी लेता। वाह तारा चांदी, क्या तरकीब सोची है आपने, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लाला बंसीधर जी, हूँ तो मैं बाजार का दलाल, लेकिन तरकीबें अपने पास सब रखता हूँ। मतलब ये कि लाला धनी राम भी ठिकाने लग जाए और अपना चुभे है ना वो भी सरकारी मालखाने में जमा हो जाए, शरीफ से भी छुटकारा और गुंडे से भी निजात। जय राम जी की। राम राम। कहो क्या बात है? अपनी तनख्वाह मिलेगी यानी दस्तूरी। वैसे तो लाला जी आपको मालूम है कि अपना खाना पीना इसी बाजार के माथे चलता है, कुछ तुम्हें दे दो। सुन बे चौबे, हुंडे वो पालते हैं जो चोरी करते हैं, ना मैं चोरी करता हूँ ना मैं हुंडा पालता हूँ। कहा कहा था चौबे के गुंडा कहा था? तो क्या अधिकारी है जो भीख मांगने आया है? सुनो लाला, चौबे भीख नहीं मांगा था, चौबे लत के भरोसे वसूल करत है। क्या कहा? लाठी के जोर से वसूल करेगा। हाँ हाँ, लाठी के जोर से वसूल करेगा। लाठी का पैसा नहीं, लाठी की तरह तेल में दो टुकड़े कर दूंगा। चल यहाँ, लाठी तोड़ेंगे चौबे का मान कर। चौबे का हाथ लगा। सारे इतनी तरह की नहीं रह गई। चला जा मैं कुत्ते यहाँ से। अगर तुमने कभी इस तरह का रुख किया तो दांत तोड़ डालूंगा। बदमाश होंडों से डरते हैं, शरीफ नहीं। चला जा। राजा यहां से क्या देखता है? तुम्हें मारने आया। दो से अच्छी मिठाई बांध जा रहा है। Thank you.
काका धनी सुहागन बहू देखो धनी को क्या हो गया। अरे सुहागन बहू धनी सुहागन तू रो रही है ये देख कुंदन बड़े बहू दोनों बच्चे और देख सुहागन मेरा सबसे छोटा बच्चा मदन छोटी बहू और प्राण ये सब मेरे ही तो रूप हैं। बेटा सुनो ईमानदारी के जिस पौधे को मैंने अपने खून से सींचा है उसकी रक्षा करना और दुनिया में खो न जाना। काका तुम भी रो रहे हो आज तो दिवाली है पटाखे लाए तुम्हारे सौर में नहीं चलाऊंगा काका मैं पोतों वाला हो गया हूँ खुशियां मनाओ ऐसी जिंदगी तो किस्मत वाले को मिलती है मैं इनकी ईमानदारी से जिंदा रहूंगा जिंदा रहूंगा सुरू रहूंगा कुंदर प्राण ईमान जी कब तक यूं बैठे रहोगे अगर आप इस घर को नहीं संभालेंगे तो और कौन संभालेगा देखिए ठाकुर जी के फूल भी मुरझा गए उसकी पूजा भगवान के उठिए माजी तेरा घर भूखा बैठा किसी ने अनाज का दाना तक नहीं खाया सुहागी 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 तेरा सुहाग इन हाथों से गंगा मैया की भेंट कर आया कैसा जमाना आ गया है जिसने मेरी अस्थियां जल प्रवाह करनी थी उसी की अस्थियां मैं गंगा मैया में बहा आया वारे कैसा दगा दिया है तूने दगेबाज रानी अपने बाप को कैसा धोखा दिया है सुहागी उसने तेरी भी नहीं परवाह की बस 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 बस
और तू भी मौसा को न रोक सका। भगवान की मर्जी चरणू स्वर्गी। अरे बस कर चरणू बस कर। अरे मौसा, अरे मौसी मौसा को कहाँ भेज दिया? चरण जो होना चाहो। अरे कैसे हो गया मौसी? अरे मौसा तू वहां चला गया जहाँ दुकान न हटी। अरे मौसा तू चला गया जहाँ दूध न लस्सी। मौसा मर गया तब किराया मर गया। कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ जाता है। चल बेटा मौसा इन नंदी मुंदी बंगू को नमस्ते प्राण बाबू। नमस्ते ताराचंद जी। बहुत अफसोस है धनी राम जी का, बेचारे ने लोगों के लिए अपनी जान दे दी। जी हाँ, जो भगवान की मर्जी। कुछ भी कहो भैया, लेकिन ये उसूल के बहुत पक्के। जान दे दी लेकिन चौबे को 10 रुपए नहीं दिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे बाबूजी जमाने के साथ चलते तो माल भी कमाते और जान भी बचाती, मगर भगवान की इच्छा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसी हवा हो वैसे ही चलना चाहिए। आगे तुम समझदार हो। अच्छा नमस्ते। अपनी जिंदगी तो बिना सोने चांदी कटी, बेचारी इस रमेश का क्या हो? मठे की मुझे कुछ करने नहीं देते, हजारों के हमें अब तक लाखों बना लेते। मैं कहती हूँ अब तो हमें अपना सब कुछ अलग कर लेना चाहिए ताकि हमारा रमेश बड़ा होकर बड़ा आदमी बन सके। पकड़ पकड़ पकड़। हाँ ले चरण दास, ये रहा तेरा बिस्तर और वो रहा तेरा ट्रंक। और सुन हाँ। फिर कभी बगैर कपड़े लत्ते के आया ना हाँ। तो घर में घुसने नहीं दूंगी। लो सुन लो हाँ। बड़ा इसमें मेरा क्या दोष? मालूम नहीं, नहीं तेरा जी, रास्ते में बेचारी के सारे कपड़े चोरी हो गए। झूठी! अरे मैं तो खुद लोगों को बांट देता हूँ। मैं अपने शरणार्थी भाइयों को दुखी नहीं देख सकता भाभी। हाँ हाँ बड़ा देश भक्त। मेरा आत्मा राम फट जाता है, मेरा कलेजा छलनी हो जाता है। भाभी दिल्ली से जब मैं चला था तो ये बड़ा ट्रंक तो ये बड़ा बिस्तर लेकर चला। सहारनपुर तक आते अभी सारे कपड़े। अरे बिल्कुल बिल्कुल, उसी गाड़ी में सफर करनी थी क्या भाभी? साथ वाली गाड़ी। हाँ चलूंगा। हाँ चल चल बेटा, चल बेटा। माँ ने चरणदास नाम रख दिया। आया जी। अरे क्यों तंग करती हूँ बेचारे को? अब आप जा सकते हैं। चल उठ चल बेटा। अच्छा मौसी जा रहा हूँ, अपनी सेहत का ख्याल रखना और किसी किस्म की तकलीफ हो तो फौरन खा लेना। रेलवे स्टेशन पर मेरा पता मिल जाएगा। राम राम काका। क्यों है चरनी, तू जा रहा है? हाँ काका। फिर कब आएगा? काका आज जा रहा हूँ तो कल आ जाऊंगा। हैं? मेरा मतलब अपना आना जाना तो लगा ही रहता है, और अगर तुम कहते हो तो मैं नहीं। ना ना तू जा। लो जा जा, दिल्ली पहुंचे चिट्ठी लिखना। लिखनी ही पड़ेगी। हाँ मौसी। अच्छा अच्छा जी तेरा जी तेरा। ले स्वागी भैया। अरे मदन तुम यहाँ? कुछ है भैया, ऐसे आ गया, जरा ये राय साहब की दवाई दे देना। हाँ लो मदन। बस दो ही दवाएं हैं भैया, ये लो पैसे। अच्छा भैया मैं जाता हूँ। हाँ और कुछ? बस
झूठे कहेंगे। आशा, अरे मां बुला रही है। अच्छा ये दवाई और ये पैसे हैं और ये बिल है। अच्छा अच्छा, और इस बिल के पीछे मेरा बिल है। अच्छा तुम जाओ। जाओ जाओ जाओ, तुम जाता है। अरे नीचे रह गए क्या? आई माँ। तू दवा आ गई बेटी? हाँ दादी, ये लीजिए। भाई ये गिलास पानी तो ले आओ। जी अभी लाती। और दादी ये लो पैसे। और बाकी? दे तो दिए ना, 9 रुपए दवा के और 1 रुपया वापस। 9 रुपए? हाँ। मैं तो धनी राम की दुकान से हमेशा ये दवा 5.5 रुपए में लाया करता था। तो धनी राम की आंखें बंद होते ही उसके बेटों ने ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दिया। सॉरी, वेरी सॉरी आशा। कह तो दिया ना सॉरी आशा। मैं आ रहा था आशा, लेकिन रास्ते में प्रिंसिपल साहब मिल गए, इसीलिए देर हो गई। तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं। अच्छा आशा, ए आशा। क्या है? आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है आशा। बालों में जो तुम्हारा फूल है ना, कितना खूबसूरत लगता है। आह कितनी खुशबू है इसमें। अरे और इस तुम्हारी आंखों की काजल है ना आशा, इसका जवाब नहीं। आ, आ, तेरी है ना, मालूम होता है प्यार के मुखड़े पर मोहब्बत का निशान है। भवें तनती हैं, खंजर हाथ में है, तनके बैठे हैं, किसी से आज बिगड़ी है जो वो यूं भलके बैठे हैं। किसी से हमको क्या लेना, किसी से बिगड़े, जहाँ पर मन की मौज आई वहीं पर मन से बैठी है। ब्यूटीफुल, मैंने तो दाग की गजल कही थी और तुमने तो उससे भी अच्छा कहा। अरे बातें कही और बना, बातें कही और बना, यहाँ बात नहीं बनने की, हो चाल बाज हम समझ गए, तेरी चाल नहीं चलने की। बाबू झूठी कसमें खाइए। अब तो जी बिगड़ गई, अब तो जी बिगड़ गई, बात नहीं बनने की, ओ चाल बाज हम समझ गए, तेरी चाल नहीं चलने की। बाबू काका मिस्टर काका, ओ बाबू काका। तेरी चाल नहीं चलने की। बाबू टाटा मिस्टर आटा, बाबू टाटा। तू दिन वाला मैं भी हंसी, भूखे में ना रहना कहीं, समझे ना।
धोखे में ना रहना कहीं, बिजली से चमक जाऊंगी मैं, रह जाओगे बैठे यही। चल दिए हम अब तो सनम, चल दिए हम अब तो सनम, छाओ नहीं मिलने की, ओ चाल बाज हम समझ गए, तेरी चाल नहीं चलने की, बाबू क्यों जाने तू? मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ये मजाक नहीं मैडम, प्यार। तुम्हारे इस प्यार ने तो मुझे डैडी के सामने भी शर्मिंदा कर दिया। क्यों? क्या हुआ आशा? दवा लाए 5.5 रुपए की और वसूल के 9 रुपए। 5.5 रुपए की? ये तुम क्या कह रहे हो आशा? तुम्हारे इस मजाक ने तो तुम्हारे खानदान पर भी कलंक लगा दिया। मैं सच कह रहा हूँ आशा, वो दवा 9 रुपए की है, भैया ने मुझे अपने हाथों दी थी। तब तो डैडी सच कह रहे थे, तुम्हारे पिताजी की मरते ही तुम्हारे भाइयों ने ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। आशा, भैया मरने वाले बाप को तुमसे ही उम्मीद थी। जिस ईमानदारी के पौधे को बाबूजी ने अपने खून से सींचा था, तुम उसी की जड़ें काट रहे हो। मदन, तुम दोनों मिलकर खानदान को धोखा दे रहे हो। खामोश, लैक में दवाइयां बेचते हो। क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूं, सच कह रहा हूं। मुझसे खुद प्राण भैया ने 5.5 रुपए की दवाई के 9 रुपए वसूल किए। नहीं नहीं, क्या मैं सच कह रहा हूं? अगर ये सच है तो ये दुकान नहीं, ये दुकान कभी नहीं रहेगी। बहुत बुरा जमाना आ गया है साहब, कीमती दवाइयां तो आती ही नहीं, सिर्फ एक शीशी बाकी रह गई है, लीजिए 10 रुपए बारह में। 10 रुपए 12 आने, माफ कीजिएगा, इसकी कीमत है सिर्फ 5.8 रुपए। ये लीजिए। तुम घर जा सकते हो, अब से तुम दुकान पर नहीं बैठो। लेकिन तुम कौन होते हो मुझे निकालने वाले? मैं अपने बाप की इज्जत का रखवाला, मैं इस जगह पर तुम्हें ब्लैक मार्केटिंग नहीं करने दूंगा। ब्लैक मार्केटिंग तुमने नाम रख दिया मुनाफे का, और तुमने पाप का नाम मुनाफा रख लिया है। ये पाप नहीं, मेरे पास एक चीज है, तुम्हें उस चीज की जरूरत है, मैं उसे कम दामों पे बेचना नहीं चाहता। गलत, दवाई लोगों की भलाई के लिए होती है, मुनाफाबाजी के लिए नहीं, तुम्हारी चोरी के लिए नहीं। मैं चोर? तुम मुझे अलग करके मेरा हिस्सा लेना चाहते हो? सबसे बड़े चोर तुम हो। तुम दोनों को क्या हो गया? महात्मा जी को गुस्सा आ रहा है, कहते हैं कि तुम दुकान छोड़ के घर चले जाओ। मैं फिर कहता हूँ, मैं तुम्हें दुकान पर नहीं आने दूंगा। तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? मैं तुम उठा के भाग फेंकूंगा। प्राण, क्या लोगों को तमाशा दिखा रहे हो? धनी राम की चिता की रात तो ठंडी होने दो। इस सन पर तुम अपनी इज्जत का ख्याल है ना हमारा? कुंदन, होश में आओ, ये क्या कर रहे हो? मैं तेरे को नहीं जाऊंगा। अरे हाँ मैं खुद हूँ। अरे 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 अरे, अच्छा ले बाबा, अच्छा अच्छा बात तो मान तो मेरे, ले बैठ जा। छुट्टी कहीं की इसे कुछ खाने नहीं देती। चाची ने मारा? अच्छा मैं चाची को मारूंगी। क्यों मारा इसे बहू? मैंने मुझे कुछ दिया, मैंने इसे मारा। चुप रहे, चुरा कर खा रही थी, मैंने मारा तो क्या बुरा किया? और ये सेब आया कहाँ से? वो लेकर आए। तो बेटी यूं क्यों नहीं कहती कि चोरी तू कर रही थी? साझे घर में तुझे क्या हक है?
कि बाजार से चीजें मंगवा के चोरी चोरी खाती रहो। हाँ हाँ मैं ही चोर हूँ, मैं ही सबकी आंखों में खटकती हूँ, जैसे मैंने कभी सेठ देखा ही नहीं था। जरा सा बच्ची को हाथ क्या लगा दिया, आसमान फट पड़ा। तुम लोग सब मिल के मुझे मार क्यों नहीं डालते? हेल्प ला दो, मार डालो। ऐसा भी क्या, क्या हुआ अगर माजी ने कुछ कह दिया? तू हाथ मत लगा, ये सब तेरी ही करतूत है। क्या हो रहा है? ये सब आप ही की लगाई हुई आग है। आप चाहते कि सब मुझे जलील करें, तोड़ के झूठे मारे। मैंने आपको हजार बार कहा कि घर में कोई चीज मत लाए कि चुप रहा बहू, जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया तूने। मैंने ठीक कहा है, साझे घर में दरवाजे बंद करके किसी को कोई भी चीज खाने का हक नहीं है। ये कहाँ का तरीका है माँ? साझे घर के लिए दिन रात जान देने का मुझे हक है, लेकिन अपनी मर्जी से खाने मैं जहाँ मेरी मर्जी होगी खाऊंगा। हाँ हाँ तू क्यों नहीं खाएगा? चोर बाजार में कमाया हुआ माल खुले दरवाजों कौन खा सकता है? मदन माँ, तूने तो आज देखा है, न जाने कब से बाबूजी की चिता की राख बेच रहा है। तूने फिर तूने घर में भी आग लगा दी? आग मैंने नहीं, तुमने लगाई। बाबूजी ने जिस धर्म की खातिर अपनी जान दी है, उसी धर्म को तुम बाजार में बेच रहे हो। इसी जगह बाबूजी ने कहा था, जब तक इस घर में ईमानदारी जिंदा है मैं जिंदा रहूंगा। बाबूजी उस दिन नहीं मरे थे प्राण, आज मरे, और उनका खून तुमने किया है, अपने हाथों से किया है, तुमने किया है। तुमने अपने बड़े भाई के मुंह पर थप्पड़ मारा, उसकी बीवी के सामने। मैं मुंह तोड़ दूंगा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। चला जा, चला जा, कमीने, चला जा, चला जा, यहाँ तो है। अगर आज धनीराम जिंदा होता तुझे गोली मार देता। नहीं तो क्या देखता है, निकल जा यहाँ से, कमीना, गरीब। कुंदन, आज ये दिन भी आना था। मैं आपको यहां नहीं रहने दूंगी। मैं यहीं रहूंगा कला। ये चांटा जो मेरे मुंह पे मारा है, ये इन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, आप अकेले और वो सब एक तरफ। मैं क्या कर लूंगा? अरे 9 बज गए, अभी तक दुकान पर कोई नहीं गया। कुंदन, ओ कुंदन, क्या दुकान पर नहीं जाना है? प्राण, ओ प्राण, क्या सो रहे हो? दुकान पर नहीं जाना, 9 बज गए हैं। नहीं, मैं बेईमान हूं ना, इन ईमानदारों के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, मुझे अलग कर दो। अलग कर दूं? बहू ये क्या कह रहा है? मुझे क्या मालूम, आप जानिए, आपका बेटा जानिए। ये क्या पागलपने की बातें कर रहे हो प्राण? हमारे खानदान में आज तक किसी चीज का बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन अब होगा माँ, मैं खानदान की रीत बदलता हूँ। हाँ माँ, वो जाने दो इसे अलग, 2 दिन में इसे आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। मदन, बड़ों की बातों में बोला नहीं करते। मुल्क का इतना बड़ा बंटवारा देखकर तुम्हारी आंखें नहीं खुली, जो इस छोटे से घर को भी बांट लेना चाहते, क्या तुम नहीं जानते कि इस घर को बाबूजी ने बनाया, माँ की ममता ने परवान चढ़ाया? छी भैया, जरा सोच, हमारा खानदान साझा है, अगर हम में से कोई एक भी खुदगर्ज बन जाए तो बाबूजी की इज्जत पर कितना बड़ा धक्का लग जाएगा। यही तो मैं भी चाहता हूँ कुंदन, कि हम में से किसी को खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। मुल्क का बंटवारा हुआ है तो मुल्क को आजादी भी मिली है, मुझे भी आजादी चाहिए, अपना हक और हिस्सा चाहिए। बाबूजी की इज्जत और माँ की ममता को इसे कुछ वास्ता नहीं। ये क्या कहते हो प्राण, क्या माँ की ममता और बाप की इज्जत से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं? भाभी, ममता और इज्जत का सवाल तो पैदा होता ही नहीं, मुझे सिर्फ मेरा हिस्सा चाहिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग बार बार एक मरने वाले के नाम की दुआई क्यों देते हो।
साफ जाहिर है कि मैं अलग होना चाहता हूँ, मैं अलग होकर रहूं। प्राण तू इसलिए बंटवारा करना चाहता है कि मैंने तुझे रात को थप्पड़ मारा? तू भूल गया है बेटे, बचपन में जब मैं तुझे पास सुलाता था और तू मुझे लाते मारता था, मैंने तो तुझे अलग करने का कभी नहीं सोचा। ले आज तू मुझे मार ले, जितना जी चाहे मुझे मार ले, मैं उफ नहीं करूंगा बेटे। लेकिन बंटवारा न कर, लोग कहेंगे धनी राम की आंखें बंद होते ही उसके बेटों ने अपना घर बांट लिया और किशन चंद आंखें खोल कर देखता रहा। मैं तेरे पांव पड़ता हूं बेटे। नहीं काका, बात बहुत बढ़ गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। बंटवारा तो होके ही रहेगा, इज्जत से हो तो अच्छा है, वरना मुझे कचहरी जाना पड़ेगा। कचहरी? क्या कहा, तू कचहरी जाएगा? प्राण, तू कचहरी जाएगा? हाँ मां। बाबूजी की पगड़ी यहाँ मौजूद है, इस घर में हमेशा बरकत रहेगी। इस पगड़ी में तीसरा हिस्सा मेरा है माँ, इसमें सोने का फूल जड़ा है। तो तू बाबूजी की पगड़ी भी बांटेगा? हाँ, क्यों नहीं, सोने का फूल जड़ा है इसमें। तुम लोग तो मुझे लूटना चाहते हो, और फिर ये सोने के ठाकुर और वो जो गाय बाहर खड़ी है उसमें भी मेरा हिस्सा है। मुझे हर चीज का तीसरा हिस्सा चाहिए। अरे निर्दयी, मेरे भी टुकड़े कर ले, मुझे भी बांट ले, तेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। ओ माँ, तू क्यों दुखी होती है? मैं बेच देता हूँ अपना हिस्सा, बाबूजी की पगड़ी बेच देता हूँ, सोने के ठाकुर बेच देता हूँ, और वो गाय बेच देता हूँ। बोलो क्या दोगे मुझे? मैं अपनी जान देता हूँ। तुम्हारी जान? कुंदन भैया, तुम्हारे जान की कुछ कीमत नहीं। मेरा सारा हिस्सा ले लो। लेकिन ये तो बहुत कम पड़ता है, तुम क्या कहते हो? अगर इससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरता तो मेरा भी हिस्सा ले ले। लेकिन मैं बाबूजी की पगड़ी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। तो अपनी बात पे अटल रहना। हाँ हाँ, जा ले जा। मदन, कुंदन, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे ले जाने दो माँ। हाँ माँ, खुदगर्जी ने इसको अंधा कर दिया है, देखता हूँ दौलत इसका कब तक साथ देती है। ये घर में भी काले बाजार का धंधा कर रहा है माँ, ये घर में भी काले बाजार का धंधा कर रहा है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अपने भाइयों को लूट कर अपना घर बना है, लूट के माल से कभी किसी का नाम नहीं बना है। सौदा हो चुका है, बोली हो चुकी है। बेटा मेरा, सुन ले बेटा। ये कैसी दीवार है दुनिया, अपने नहीं मिल पाते हैं। जुल्म तो ये है साथ जमीन के, दिल भी यहाँ बट जाते हैं। कैसी दीवार है दुनिया, ये कैसी दीवार है दुनिया, अपने नहीं मिल पाते हैं। जुल्म तो ये है साथ जमी के, जुल्म तो ये है साथ जमी के, दिल भी यहाँ बट जाते हैं।
ये कैसी दीवार है दुनिया। रूठ गए हैं भाई भाई, घर का आंगन बांट रहे हैं। रूठ गए हैं भाई भाई, घर का आंगन बांट रहे हैं। कौन कहे इन दीवानों से, ओ, कौन कहे इन दीवानों से, माता का तन बांट रहे हैं। जुल्म तो ये है साथ जमी के, जुल्म तो ये है साथ जमी के, दिल भी यहाँ बट जाते हैं। ये कैसी दीवार है दुनिया। धूप तत की कैसी, तन से बिछड़ के छाओ जुदा है। इंसान खो बैठा है मंजिल, इंसान खो बैठा है मंजिल। राह खफा है पांव जुदा है, राह खफा है पांव जुदा है। जुल्म तो ये है, जुल्म तो ये है साथ जमी के, दिल भी यहाँ बट जाते हैं। अपने नहीं मिल पाते हैं। जुल्म तो ये है साथ जमी के, जुल्म तो ये है साथ जमी के, दिल भी यहाँ बट जाते हैं। मैं तो तेरे साथ बोलती हूँ। मम्मी मैं भी तेरे साथ बोलता हूँ, फिर हम दोनों खेलें। नहीं, माँ देखेंगी ना तो मारेंगी। पर मेरी माँ तो नहीं मारती। तो दादी माँ ना बड़ी गंदी है, तुझसे प्यार करती है, मुझसे नहीं। रमेश बेटा, मैं तो तुम दोनों को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ बेटा। रमेश, ओ रमेश, अरे ओ रमेश, रमेश मैंने तुझे मना किया था ना यहाँ नहीं आना। चल, क्यों आए? चल, चल यहाँ नहीं छोड़ने। अंदर चलो, अंदर चलो। कुंदन बाबू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो भी बैठा था भाई। कुंदन बाबू, बहुत दुख हुआ बंटवारे की बात सुनकर, अपनी तो छाती ही फट गई। जो होना था सो हो गया, लेकिन करोगे क्या? यही तो सोच रहा हूँ। मेरी एक बात मानोगे? मैं कहता हूँ भैया, तुम भी उसके सीने पे मूंग डालो, ठीक बाजार में उसके सामने दवाइयों की दुकान खोल लो। ताराचंद, मदद हम कर देंगे। नहीं नहीं, भाई के मुकाबले में मुझसे दुकानदारी नहीं होती। ये भी खूब कही, आखिर करोगे क्या? इतना बड़ा परिवार है, कुछ सोचा उसके बारे में? पापा आ गए।
मालूम होता है आज भी आपको काम नहीं मिला। तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। पर इसमें हिम्मत है तो आदमी एक पल भी नहीं जी सकता। अगर आप यूं जी छूटा करेंगे तो ये घर कैसे चलेगा? आप तो जानते हैं इस घर में हर कौन कमाने वाला, और आप ही को तो सब कुछ करना है। क्या करूं कौशिक, कुछ समझ में नहीं आता। काम हासिल करने के लिए रुपया चाहिए, नौकरी डिग्री चाहिए। जहां भी नौकरी के लिए जाता हूं डिग्री पूछते हैं, तजुर्बा पूछते हैं, जो मेरे पास है नहीं। बहू कुंदन, आ गए बेटा? हाँ मां। कुछ काम मिला बेटा? हाँ हाँ मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। तू क्यों चिंता करती है माँ? मैं क्यों चिंता करूंगी बेटा, अब तो ये सब चिंता तेरे लिए है। काका को तू देखेगा, मदन को तू पढ़ाएगा, मेरी चिता भी तू ही जलाएगा। माँ भैया मेरे कॉलेज की फिक्र मत करो भैया, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। भैया मदन तुम्हारे पास डिग्री नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास तो है, मैं नौकरी करके तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। भैया ये हरगिज नहीं हो सकता मदन, ये हरगिज नहीं हो सकता। आइंदा ऐसी बात फिर कभी ना कहना। याद नहीं बाबूजी की बात, वो तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। बाबूजी मर गए हैं मदन, मगर मैं उनकी ख्वाहिश कभी नहीं मरने दूंगा। मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे मजदूरी क्यों ना करनी पड़े, टोकरी क्यों ना उठानी पड़े, अपने आप को नीलाम क्यों ना करना पड़े, मगर मदन मैं तुझे डॉक्टर बनाकर छोड़ूंगा। मदन मैं तुझे डॉक्टर बनाकर छोड़ूंगा। इन हाथों में सबकी किस्मत इन हाथों का नाम ले। मेहनत से मत डर बंदे, हिम्मत से काम ले। हो 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 हो। पत्थर है और तुझ में दम नहीं है, इन हाथों को पत्थर कर ले फिर तू भी कम नहीं है। माना जीवन पत्थर है और तुझ में दम नहीं है, इन हाथों को पत्थर कर ले फिर तू भी कम नहीं है, फिर तू भी कम नहीं है। पत्थर से पत्थर टूटेगा प्यारे इतना जान ले। हिम्मत से काम ले, मेहनत से मत डर बंदे, हिम्मत से काम ले। हो 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 हो। कदम एक बार मर्द बनके, तेरे पांव पड़ेंगी चट्टाने ठोकर की गर्द बनके। आगे बढ़ा हिम्मत कदम एक बार मर्द बनके, तेरे पांव पड़ेंगी चट्टाने ठोकर की गर्द बनके, ठोकर की गर्द बनके। शान हमारी मेहनत से है प्यारे कितना जान ले। हिम्मत से काम ले, मेहनत से मत डर बंदे, हिम्मत से काम ले। सूरज
सच कहता है ये जिंदगी सफर है, जो कल करना है अब कर ले, कल की किसे खबर है। ढलता सूरज कहता है ये जिंदगी सफर है, जो कल करना है अब कर ले, कल की किसे खबर है, कल की किसे खबर है। आज को सब जीवन कहते हैं प्यारे इतना जान ले, हिम्मत से काम ले, मेहनत से मत डर बन दे, हिम्मत से काम ले, मेहनत से मत डर बन दे, हिम्मत से काम ले। क्या हुआ काका? आज मैं बहुत खुश हूँ, तो मुझे दिखाई दे रहा है, पर हुआ क्या है? क्या नहीं हुआ ये तो पूछो। माँ मैं अभी आया। माँ माँ ये लो, माँ ये लो। हाँ माँ। रुपए कैसे बेटा? ये मेरी पहली कमाई है माँ। सच? हाँ माँ। माँ जी बेटा, हो बेटे धन्य हो भगवान, धन्य हो। बहू क्या माँ? थोड़ा प्रसाद बना दे बेटी, राम जी के मंदिर में चढ़ाऊंगी। बेटी देख, देख मेरे बेटे की पहली कमाई, आज मेरी सारी चिंता दूर हो गई। देख देख मेरा बेटा कितने पैसे कमा कर लाया है, देख। ओए पर काम तू क्या करता है? काम? मैं क्या नाम? काका, धरती माता की छाती पर जो बड़े बड़े पत्थर है ना, मैं उन्हें हटाता हूँ, और उन्हें हटा के जमीनें साफ करके इंसानों को बसाता हूँ, यानी कि उनके रहने के लिए बड़े बड़े आलीशान मकान बनवाता हूँ। समझ गया, ओए समझ गया। सीधा क्यों नहीं कहता कि तू ठेकेदार हो गया? हाँ काका, ठेकेदार हो गया। ठेकेदार लिख बेटा, ए बी। अरे 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 उल्टा लिख रहा है। मैंने कहा बधाई हो आपको। क्यों भाई, कहे की बधाई? देख सी, आपके बड़े भाई ठेकेदार हो गए हैं। अरे पगली हो गई हो, ठेकेदारी मजाक है क्या? पैसे चाहिए ठेकेदारी के लिए। आप क्या समझते हैं आप ही कमाते हैं? लेकिन पैसे कहाँ से आए उनके पास? माँ ने तो आपको छोटी सी दुकान देकर अलग कर दिया, और जो गहने रुपए दबा रखे थे वो बड़े लड़के। बाबू जी ये दवा जल्दी दे दीजिए, मेरा बच्चा जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। ये क्या, 8 रुपए और दो भाई। बाबूजी मेरे पास तो सिर्फ इतने ही पैसे हैं, डॉक्टर ने तो कहा था ये दवा 2 ही रुपए में मिलेगी। तो फिर डॉक्टर से जाकर ले लो। बाबूजी, ऐसा जुलम मत। अरे ये क्या कर रहे हो? बाबूजी ऐसा जुलम मत कीजिए, मुझे गरीब पर रहम खाइए, भगवान के लिए दवा मुझे दे दीजिए। क्या मेरे पास दवा नहीं है? दवा निकल जाओ यहाँ से। बाबूजी आप भी बाल बच्चे वाले होंगे, अगर मेरा बच्चा मर गया तो मेरी तो दुनिया उजड़ जाएगी। बाबूजी मैं आपको कह रहा हूँ, भगवान के लिए बाबूजी मैं आके पैसे फिर दे रहा हूँ। बाबूजी मुझे दवा दे बाबूजी। चलो दवा खाना समझ रखा है, चले जाओ यहाँ से। हेलो प्रांत, क्या यार आजकल नजर नहीं आते हो? अरे भाई क्या करें, लोगों ने तो दिमाग खराब कर दिया, पैसे है नहीं दवा लेने आ जाते हैं। मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था, मेरे बच्चे की बर्थडे है कल, तुम आ जाना। वाह क्यों नहीं आएंगे भाई। और आप भी बिशन, बिशन, बिशन। पहले बिशन चाचा, अब बिशन हो गया। वारे हराम की कमाई। ओ बिशन आए। सेठ जी क्या हुक्म है? मैं हाजिर हूँ सेठ जी। देखो मेरे बच्चे की बर्थडे है कल, 3 टोकरे फ्रूट के मेरी गाड़ी में रख दो। जी हाँ रख देता हूँ। और देखो माल अच्छा होना चाहिए। हाँ हाँ अच्छा ही रखूंगा, अपने धंधे में खराबी नहीं हो सकती सेठ जी। मेरे कपड़े फेरी ना? तेरे लिए नहीं बेटी, तेरे रमेश भैया के लिए। क्यों? आज उसका जन्मदिन है ना दादी माँ, क्या खाली हाथी?
जान बुलाने आएगा मुझे? आना तो चाहिए माँ जी, अगर दादी वहां नहीं होगी तो खुशी किसे होगी? हाँ हाँ, दादी क्यों नहीं होगी, मैं नहीं जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? पर सुन, जब वो आएगा तो मुंह घुमा के बैठ जाऊंगी, आज हाथ जोड़ेगा पांव पकड़ेगा फिर भी नहीं जाऊंगी। ये बंटवारे की दीवार अपने हाथों से गिराएगा तो इस रास्ते से जाऊंगी उस पार, हाँ वरना नहीं। जन्मदिन है ना, डाल आई हूँ, पहना दो बेटी से। हाँ बेटा पहना दो रमेश को, आंखें ठंडी हो जाएंगी। बेटा, बेटा।
घर आए दुश्मन का भी अपमान नहीं करते। मैं तो माँ। किसकी माँ? अपनी ममता की। तो ये ममता भी उसी के हवाले कर दो जिसे जेवर देकर तुमने ठेकेदार बना दिया। क्या मेरा कोई हक नहीं था जेवरों में? किसी दुकान देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और आज कहती है कि मेरी कोई माँ नहीं। मेरी कोई माँ नहीं? नहीं, रखी ना है ना होगी। जाओ यार। बेटे के घर से लड्डू पर गई कलेजे में ठंडक। सुहागी तू एक ना एक दिन खून करवा के छोड़ेगी। धनी मर गया और छोड़ गया मुझे तड़पने के लिए। हाय धनी तू कहाँ है धनी? के लिए दूसरे की पगड़ी उछालता है। शर्म नहीं आती तुम्हें?
कहाँ मदन? मदन! 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 बदमाश! हट जाओ बहू! क्योंकि बहू बेटियां बदमाशों की रक्षा नहीं किया करती। हट जाओ! नहीं हट। औरत की गोद में छुपकर अपनी जान बचाता है। कहो क्या कहना है? तुमने राज साहब की लड़की को पत्थर मारा? हाँ मारा था। क्यों मारा? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उठ, तुम इन्हें, तुम दुश्मन हद से कर। जाइए नहीं तो काका उसके बाद जाएंगे। जाइए। तुम आस्तीन के सांप वो बेटे नहीं। धनी राम के माथे का कलंक, उसके मुंह पर काले पोते से पहले तुम मर जाओ। काका, बंधन छोड़ दे मुझे, वरना मेरे हाथ से तेरा भी खून हो जाएगा। काका, छोड़ दे मुझे। कल मेरे, उस कमीने, चलो जब बंधन ताया, जिस पड़ोसी की इज्जत पर इसने हमला किया, मैं उसी के सामने इसका खून करूंगा। चल, चल, राजा, ओ राजा, बारा ओ राजा, बारा, बारा। अरे नीचे आ, ऊपर से क्या देखा? क्यों, सारे खानदान को लेके बनवा करने आया है? नहीं, तेरा अपराधी लाया हूँ। हमारा रिवाज है कि जो जिसका अपराध करता है उसे उसके हवाले कर दिया जाता है। आ, नीचे आ, इसको अपने हाथों से मौत की घाट उतार। आ, दादा। कहते हो? अगर कोई मेरे घर पे पत्थर मारता तो मैं उसका खून पी जाता। ये लो, कर दो इस मजदूर के टुकड़े। अगर मैं भी कर जाऊं तो कहना। देखता क्या है, मार रहे हैं। ले अपनी बेइज्जती का बदला। मैं कहूंगा कि इसका खून मैंने किया है। मोहल्ले वालों सुन लो, इसका खून मेरे नाम है, मेरे नाम। ये आप क्या करने लगे थे? मैं नहीं जानता था आप लोग इतने ऊंचे इंसान हैं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। ना मालूम गुस्से में मैं आप लोगों से क्या कुछ कह दिया। कोई ऐसा तूने इसे माफ कर दिया? सच सच कह लो, तूने इसे माफ कर दिया? राय साहब, तू इंसान नहीं देवता। सच कहता हूँ, तू देवता है। वहां पर माफी मांग। देख मदन, तूने मेरी बेटी का आंचल खींचा है। अब मेरी बेटी की लाश तेरे हाथ है। किशन चंद जी, मदन आज से आप ही का बेटा भी है, हमारा बेटा भी है। लो बेटा, अब मेरी इज्जत तेरे हाथ। जी मुबारकबाद। आज तूने सारे पिछौरियों को जीत लिया। वाह कुर्बान जावई। कजरे
धमन भर भर के मस्तियाँ चल ले, डोरे मत ऐसे, डोरे मत ऐसे, डाली मैं भी हूँ बड़ी चंचल, मत अखियाँ झुकन सुन यही है धमन भर भर के मस्तियाँ चल ले, गरगल सुन खजरे वाली के कहां जाओगी मेरी जान, छोड़ेंगे क्या? थोड़ी खातिर से कम छड़ के रहा सोनियो। बहू माँ, मैं आज बहुत बदली, जल्दी छुट्टी लेकर आ गया हूँ। मैं आ गया हूँ। Thank you.
मेरी मौसी का घर। ला मेरा किराया। दे तो मैं छोड़ ना जाना। भगवान तेरी तरह घोड़ा मर जाए, तू मर जाए, टांगा टूट जाए। सब बकवास कर। देहरादून के गुंडे सफर करना भी पूरा दो रुपए ना, एक अगला एक पिछला भिजवाता हूँ। अब क्या भाई, क्या है ना, छोड़ ना किराया। डाके वाला बाबू, मेरा बटुआ चोरी हो गया। डाके वाला बाबू, मेरा बटुआ चोरी। अभी मिल जाता है बदमाश। आई 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 मिल गया। डाके वाला बाबू मिल गया, मिल गया, मिल गया। कैसे मिल गया? अरे मैं तो हंस रहा था, दो रुपए ना। हाँ यार, ये लो दो रुपए, माफ करना पिछली बार मौसा के गम में भूल गया था। चलूंगा अगला पिछला। वो मेरा बटुआ। आप क्या भाई, आप क्या है? और क्या बटुआ, बटुआ क्या नया चाहिए बाबू जी? ताकि मैं बैठ गया है। अरे चरण भैया, अरे चरण भैया गया बाहर में। अरे कब आए? पैसे निकाल। लो लो लो, राजा भगत। हाँ मेरे, जाओ आराम कर जाओ। अच्छा कब आए? पाँच दस पंद्रह चलो। चरण दास जी, मैंने बहुत तुमको घास खिलाई है, गाली दी होगी, मैं भी खिला दूंगा। मैंने सोचा तुम उठाओगे, उठाओ। और मेरा साइकिल भी, बाबा का माल है ना। चलो मौसी, चलो घर में मिलाता काम करवाते हैं, पैसा लेता है। आप तो जानते हैं किशन चंद जी, बेटी पराया धन होती है। मेरी तबीयत खराब रहती है, चाहता हूं कि आपकी अमानत आपको सौंप दूं, ताकि मेरा मरना आसान हो जाए। जी हाँ जी हाँ, जब लड़की की शादी हो गई तो फिर आपका मरना तय। तू चुप रह। भाई साहब, बात दरअसल ये है कि लड़का, अरे कुंदन तू कुछ कहना, तू कुछ कह। राय साहब, मेरा ख्याल ये है कि पढ़ लिख कर लड़का अपने पाँव पर खड़ा हो जाए तो। अभी आप इसकी चाहिए, जो भी आता है अपनी किस्मत साथ लेकर आता है, बस आप शादी का मुहूर्त पक्का कर। हाँ काका, आप तो कर ही डालो, मुझे शादी देखने का बड़ा शौक है। क्यों भैया, बस तो फिर सब ठीक हो जाएगा। अभी आप इतनी नाम रखिए, मैं सबको राजी करके आपके घर पर खबर भिजवाता हूँ। आप इतनी नाम से घर जाइए, मैं कह रहा हूँ ना। देखिए आप ही के भरोसे जा रहा हूँ। अभी आप कितना चाहिए? अच्छा भरोसा भगवान का, बस मैं आप है क्या? अच्छा किसने? किससे मिलना आपको? अभी हाथ राय साहब। नमस्ते भाई साहब, कौन है आप? पहचानिए पहचान। पहचाना? आप ये आपका चरणदास। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए उठिए उठिए, आप तो हमारे थाने से आए हैं, हमारे चरणों के दास नहीं, आप तो हमारे सर के। कमाल करते हैं राय साहब, चरणदास मेरा नाम है। आइए आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? कुछ नहीं जी। क्या बात? वो कपड़ा सी रही ना? हमारी बेटी घर का कामकाज खुद ही करती है, बड़ा अच्छा करती है। आप बैठिए, तशरीफ रखिए। जी बैठ गए। फरमाइए, कैसे तकलीफ की आपने? जी दरअसल मैं मदन की मौसी हूँ। मदन मेरी मौसी है। क्या? नहीं नहीं, जी मैं मदन की मौसी की माँ हूँ। अरे साहब, यूं कहिए कि आप मदन की मौसी के लड़के हैं। जब आप मेरी समझ में नहीं आए वो आपने पा ली। अच्छा ये बताइए, आपका कैसे आना हुआ? आप हमारे यहाँ आए थे ना जी? हाँ, मदन की शादी के सिलसिले में।
जी मैं उसी बारे में आया। माइए मौसी ने कहा है कि हमें सब मंजूर है और ये शगुन आप अंगूठी भेजिए। लो आशा की माँ तुम्हें बधाई हो। अपनी मौसी जी से कहिएगा उन्होंने ये रिश्ता करके हमारा बहुत मान बढ़ाया है। जी हाँ जी हाँ वो तो है। अच्छा मैं अभी आती हूँ। बस तो चरणदास जी ठीक है मैं आज ही पंडित जी को बुलवा के तारीख पक्की किए देता हूँ और फिर आपके घर भी इतना भिजवा दूँगा। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी तो फिर मैं चलूंगा। ठहरिए ठहरिए मुँह तो मीठा कर लीजिए। मीठा आशा जी माँ भाई जरा जल्दी करो इन्हें जाना है। लड्डू सब ये रस्म होती है। ये रस्म होती है हमारे यहाँ। बधाई हो महाराज बधाई हो। बधाई हो महाराज। वो पंडित बधाई कैसी। अजी 15 बैसाख का मुहूर्त पक्का किया है राय साहब ने शादी का। मुहूर्त अरे हमसे बगैर पूछे ही। अजी आपका आदमी तो शगन लेकर गया था राय साहब के घर शादी का मुहूर्त निकालने। शगन लेके गया था। अजी छोड़िए किशन चंद जी ब्याह की तैयारी कीजिए। ब्याह की तैयारी कीजिए। कल्याण हो महाराज। राम राम। चलिए कुंदन कल्याण हो महाराज। ब्याह की तैयारी कीजिए। लो एक और मुसीबत खड़ी हो गई। अरे मैं पूछता हूँ कौन गया था इधर से। क्यों नहीं मदन कहीं तू तो राय साहब के घर अपनी शादी पक्की करने नहीं गया। मैं भाभी कमाल है भाभी मैं तो जाने लगा। देखो ना मैं खाम खामे मेरे नाम ले लेती है। वो तो पर क्या कौन था। ओए तू किधर गया था। मैं पार्टी में गया था। अरे सुना सुना होली से बच्चे हैं तेरा बाप चेत के महीने में होली खेलता है। दादा अब पता चल गया कौन गया था। मेरा नाम ले दे। मैं गया था राय साहब की शादी पक्की करने मदन के घर। क्या कर रहा मदन की शादी पक्की करने राय साहब के घर। तूने गया था तो कान गया। तुम भी यूं ही कुंदन भैया की बात हो रही है। ओए सुना और चरणदास कभी देहरादून कभी दिल्ली क्या धंधा करते हैं आजकल है। धंधा जाता रेलवे में मुलाजिम। रेलवे में क्या काम करते हैं। काम करता बगैर टिकट सफर करता हूँ। हर फेरे में 20-25 रुपए बढ़ जाते हैं। क्यों रिफ्यूजियों का नाम बदनाम करता है। शर्म कर। लो कोई काम कर काम पुत्रा। चाचा शर्म करूं या काम करूं तू ही बोल दे। तू आदमी नहीं जानवर है जानवर। क्यों थूकता है क्या हुआ। अरे बोलता क्यों नहीं क्या हुआ क्यों थूकता है क्या हुआ। चाचा वो कंकर आ गया था। कंकर कंकर कंकर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सेब खा रहा हूँ। ये तुम्हारे बाप की जगह है तुम यहाँ सेब खाते हो। मैं नहीं तेरे बाप की। शट अप। अभिषेक तुमसे कई बार कहा है कि इसे यहाँ मत बिठाया करो। मैं इसे कैसे मना कर सकता हूँ ये मेरा मेहमान है। अभी अपना खून इतना सफेद नहीं हुआ बर्फरदार। तो ये बात है तो तुम भी यहाँ नहीं बैठो। धनी राम का लिहाज नहीं तो अभी जिंदा जमीन में दिखा देता। रुको मत थोड़ी देर से अपना बोरी मित्र। अरे तू क्या उठाएगा मैं खुद उठ जाता। लो ओ मेरा माल ये भी हराम की कमाई है। ब्लैक मार्केट में दवाइयां बेच बेच पाई है मैंने। लो आओ इसकी आंखों में चर्बी चढ़ गई है। इंसान को इंसान नहीं समझता। बाप जो काम न करने की वजह से मारा गया आज बेटा वही काम करके दौलत जमा कर रहा है। अपने बाप का खून बेच रहा है काले बाजार में और कोई पूछने वाला नहीं इस काले चोर को। उसने सारी पब्लिक दुकान के सामने खड़ी कर रखी है। तो पुलिस से नहीं तो वरना यहाँ बहुत झगड़ा होगा। लोगों की जान ले रहा है। ओए थैंक यू प्लीज हरी एक्रोमाइसिन है आपके पास। जी मेरी दुकान सजा कर गया। बड़ा बेहुदा आदमी है सारा बाजार सच उठा रहा है। बदतमीज है सब। पुलिस को आने दीजिए सब ठीक हो जाएंगे। मेरी रोजी को नहीं बाप की आत्मा गुलाट मारी है। सत्तर ये दवा 30 रुपए की। ठीक है। अच्छा प्राण मैं तुझको कुछ नहीं कहता। भगवान पूछेगा तुझसे उसकी लाठी से कोई नहीं बचा। क्या
क्या शोर मचा रखा ये सबके सामने मार डालने की धमकी दे रहा है ले चलो थाने से तुम भी मुझे ही थाने लेकर जाओगे इस बेईमान को कोई नहीं पूछेगा शोर मत मचाओ जो कुछ कहना है थाने जाकर कहो ले चलो हवालदार हाँ हाँ जहाँ कहोगे कह दूंगा मैं किसी से डरता हूँ चलो थाने इंस्पेक्टर उसे नहीं इसे पकड़ो आप कौन मैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का ऑफिसर अभी अभी इसने ये दवा मुझे ब्लैक में बेची उसे पकड़ो भागो पकड़ो पकड़ो इंस्पेक्टर इसे थाने ले चलो इसका कैश बॉक्स भी साथ ले चलो उसमें मेरा 100 रुपए का नोट है जिस पर मेरे दस्तखत हैं हवालदार कैश बॉक्स लो दलीप तुम तो मेरे दोस्त हो सॉरी मिस्टर प्राण ड्यूटी इज ड्यूटी मुझे मालूम नहीं था कि आप ये काम करते हैं ये सब गलत बात है दलीप मुझे अफसोस है मिस्टर प्राण आपको मेरे सच्चा नहीं होगा ले चलो इसे चलो ना क्या हुआ अरे सब हो गया मैं कहता हूँ भाभी भगवान की रस्सी बहुत लंबी होती है आखिर बात तो क्या है बता सकते वो काला चोर पकड़ा गया अरे कौन काला चोर तेरा असली बेटा दीवार के उस पार प्राण हंसते क्या हो हंसो नहीं तो क्या करूं पुलिस के आगे हाथ जोड़ रहा था पाँव पड़ रहा था बुरा हाल था अब तो देखता रहा कभी हाथ धोगी भाभी मैं मान क्या करता तू उसका सगा भाई नहीं है ना मेरा कुंदन अरे कोई जहाँ सेट कर आओ बुला के गुड मॉर्निंग डॉक्टर मॉर्निंग मॉर्निंग हेलो डॉक्टर वर्मा हेलो यूसुफ क्यों भाई कोई नई ताजी खबर बहुत बुरी खबर है क्यों क्या हुआ ब्लैक मार्केट बहुत बढ़ गई वो धनीराम केमिस्ट था ना हाँ हाँ वही ना जो पिन ना करने की वजह से मारा गया हाँ हाँ वही आज उसी का बेटा ब्लैक मार्केट करते हुए पकड़ा गया धनीराम की दुकान पर भी ब्लैक मार्केट होती थी दैट इज वेरी स्ट्रेंज माँ कुल्लन कुल्लन काका सुहागी 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 कुल्लन भैया भैया ये तुझे क्या हो गया बेटा कुछ नहीं घबराओ नहीं जरा गिर गया था ये तू नहीं गिरा बेटा मेरी किस्मत गिर गई है जाने मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि तुम सब दुखी हो रहे हो ऐसा ना करिए माँ इसमें तुम्हारा क्या अपराध है जब खानदान में एक स्वार्थ पैदा हो जाता है सारे खानदान का नाश कर देता है रो मत भाभी अभी तो मैं जिंदा हूँ प्राण के भाइयों ने अगर उसे छोड़ दिया तो क्या हुआ मैं तो नहीं छोड़ सकता मुझे भी तुम्हारा ही सहारा है भैया तुम ही कुछ करो पर करूं क्या भाभी अगर अंग्रेजी सरकार होती तो चुटकी बजाते जमानत पे छुड़ा लाता लेकिन ये अपनी सरकार है इसलिए अपना बस बिल्कुल नहीं चलता फिर ये मुकदमा भी बहुत संगीन है मौके पर पकड़ा है सरकारी आदमी ने सजा भी सरकारी होगी अब मालूम नहीं 6 महीने चक्की पीसना पड़ता है या 6 साल ऐसा मत कहो भगवान के लिए उन्हें किसी तरह भी छुड़ा लिया करना पड़ेगा भाभी मुकदमा अगर अपने पति को बचाना चाहती हो तो तिजोरी का मुंह खोल दो फिर देखो कैसी टक्कर लेता हूँ सरकार से अगर तुम्हारे सामने लाके न खड़ा कर दिया तो मेरा नाम तारा चंद नहीं तुम रुपए पैसे की चिंता न करो मैं उनकी इज्जत बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दूंगी जितने रुपए चाहिए ले लो लेकिन उन्हें छुड़ा लो अभी तो इतने ही काफी हैं जब जरूरत पड़ेगी तो और ले जाऊंगा अच्छा
भाभी। क्या है भैया? सुनती हो, आज मुकदमे की पहली पेशी है। 10 वकील खड़े कर दिए हैं सरकार के सामने मुकदमा लड़ने के लिए। एक मर्तबा तो सरकार का सर झुका कर ही रहूंगा। तो भैया मैं भी चलूंगी कचहरी। जरूर चलो और अपनी आंखों से देखो सब कुछ। लेकिन भाभी वो कुछ रुपए की जरूरत है। तुम तो जानती हो जब ये मुकदमे की बीमारी लग जाती है ना तो रुपया पानी की तरह बहाना पड़ता है। तुम ठहरो, मैं अभी लाती हूं। अब जल्दी से ले आओ। अरे बेटा आ जा। तो खेल ले रहा है। अरे तू तो बहुत ही अच्छा बेटा है। ये इसकी आंख है, ये इसका मुंह है, ये इसकी नाक है। ये लो भैया। अच्छा तो भाभी मैं चलता हूँ, तुम बाद में आ जाना। हाँ नमस्ते। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं इस घर की माँ हूँ। इस घर की नहीं, उस घर की जो दीवार के पीछे है। लेकिन दोनों घरों की इज्जत एक है। जाकर उस घर की इज्जत संभालो। इस घर के फिक्र में दुबले होने की जरूरत नहीं। मैं कचहरी जाऊंगी, जरूर जाऊं। रुकता है नहीं, मैं हूं तो कचहरी नहीं जाएगी। खाना परोस दे बेटी, काका कचहरी जाएंगे। कचहरी? तू मुझे कचहरी भेजना चाहती? सुहागी मैं कचहरी नहीं जाऊंगा। मैं तेरे बेटे प्राण की सूरत नहीं देखना चाहता। उसने मेरी इज्जत मट्टी में मिला दी है। लोग मेरे बेटे धनी राम के नाम पर थू थू कर रहे हैं। मैं कचहरी नहीं जाऊंगा, मैं कचहरी नहीं जाऊंगा। तो फिर मैं कचहरी जाऊंगी। क्या कहा तूने? तू कचहरी जाएगी? सुहागी हमारे घर की बहू बेटियां कचहरी नहीं जाती, सुना तुमने? मैं इस घर की बहू हूँ तो माँ भी हूँ, मैं जरूर जाऊंगी। क्या कहा? क्या मैं मर गया हूँ? तू कचहरी जाएगी? तू कचहरी जाएगी? क्या मैं मर गया हूँ? क्या इस घर का दादा मर गया? हे भगवान मुझे मौत भी नहीं आती। मैं जाऊंगा कचहरी, मैं जाऊंगा कचहरी, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा कचहरी, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। करने की हालत में 6 महीने सख्त कैद की सजा। सुहागी 6 महीने की सजा हुई है तेरे बेटे प्राण को। 2500 रुपया जुर्माना हुआ। न 2500 रुपया होगा न वो बाहर आएगा। खूब नाम रोशन किया है तेरे बेटे ने, मेरे बेटे का। भगवान ये क्या किया तुझे? मेरी पूजा का यही फल दिया भगवान। मैंने तुझे सोने का बनाने की कोशिश की,
मगर तू पत्थर का पत्थर ही रह गया। भगवान क्या तेरी पूजा का यही फल है? ये दिन देखने के लिए मुझे जिंदा रखा भगवान, मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती भगवान। जेल से छुड़ा कर न लाऊं तो आप भगवान को बेचकर उसका जुर्माना भरेंगे? मुश्किल में भगवान ही इंसान के काम आता है, और जो भगवान इंसान के काम नहीं आता उसे बेच देना ही धर्म है। लेकिन छह महीने की सजा हो गई प्राण को। बहन हम तो ये जाने, थोड़ा खाइए, सुखी रहिए। बिचारी कला पर तो मुसीबत आ पड़ी, छोटा सा बच्चा और अकेली जान। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। हाय मेरे भगवान, अरे उन्हें क्या हुआ? यही तो मैं पूछने आई हूं, अब मेरा और मेरे मुन्ने का क्या होगा? आपके घर वाले तो मुझे फूटी आंख से भी नहीं देख सकते। कैदी नंबर साहब, तुम्हारा जुर्माना भर दिया गया है, तुम अपने घर जा सकते हो।
क्यों बनना? यहाँ क्या करने आई? मेरे बच्चे को तड़पता हुआ देखकर अपना कलेजा ठंडा करने आई है। नहीं नहीं बहू, ऐसा ना कहो। मैं तो अपने मुन्ने को, मुन्ने से तुम्हें कोई वास्ता नहीं, मैं सब सुन चुका हूँ। प्राण, क्या तुम्हारा कलेजा पत्थर का है? माँ के साथ तो जानवर भी ऐसा सुलूक नहीं करती। हाँ हाँ, मैं जानवर हूँ और तुम इंसान हो, जिन्होंने मिलकर मुझे जेल भिजवाया। आखिर तुम लोग यहाँ आते क्यों हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बेटा, चलो माँ, जब इसे तुम्हारी परवाह नहीं फिर तुम्हें क्या जरूरत? नहीं थी, मैं मुन्ने को देखूंगी। चलो माँ, मैं मुन्ने को देखूंगी। छोड़ दे मुझे, मैं मुन्ने को देखूंगी। चलो माँ, मैं मुन्ने को देखूंगी। नहीं, चलो मैं मुन्ने को देखूंगी, मैं मुन्ने को देखूंगी। क्या? अरे नहीं, करवाना मुझे मुन्ने को देख। माँ, मेरा कहा नहीं, मैं अपने रमेश सुहागी अपनी ममता को संभाल ले बेटी, किस पापी के दरवाजे पे अपना सर पीट रही है। चल चल घर, चल चल। जिसने अपने बाप के खून को बेचा, जिसने तेरे पति की पगड़ी को जलील किया, वो तेरा बेटा कैसे हो सकता है सुहागी? उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, और उससे रिश्ता करके आप रखेंगे? चल, सांप के घर तो सांप पैदा होते देखा, लेकिन इंसान के घर सांप पैदा होते यही देखा। वाले मेरी किस्मत, चोट जरा गहरी लगी। मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचाइए। अगर इससे कुछ हो गया तो मैं। घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं दवाएं लिख देता हूँ, बाजार से मंगवा दीजिए। ये लीजिए, हर आधे घंटे के बाद गोली और उसके एक घंटे के बाद खुराक देते रहिए। मुझे 20 रुपया देना कल। अच्छा तो मैं चलता हूँ, अगर जरूरत पड़े तो फिर बुलवा लीजिए। घर में पैसे नहीं? सब कुछ बेच कर तो आपके मुकाबले पैसा लगा दिया, मेरे रमेश क्या होगा? मेरे रमेश को। घबराओ नहीं कला, मैं खुद केमिस्ट हूँ, सब मुझे जानते हैं, मैं भी दवा लेके आता हूँ। कौन प्राण बाबू, कब आए जेल से छूटकर? और ये क्या हालत है आपकी? मेरा बच्चा बीमार है। ले लीजिए ले लीजिए, सिर्फ 10 रुपए कीमत है इसकी। लेकिन इसकी कीमत तो 2 रुपए थी। वो तो आपके पिता के वक्त की बात है, इस वक्त इसकी कीमत 10 रुपए है। लेकिन इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं, तो दवाई भी नहीं है। लेकिन गोकुलदास, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। मेरा बिजनेस है प्राण, आने दीजिएगा आप। बंसीधर, जल्दी से दवा दे दो, मेरा बच्चा बीमार है। दवा तो है प्राण बाबू, लेकिन दाम जरा ज्यादा लगेंगे। कोई बात नहीं, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं, मैं तुम्हें फिर दे दूंगा। उधार तो मैं बेचता नहीं प्राण बाबू। बंसीधर, तुम तो मुझे जानते हो, डॉक्टर ने कहा है अगर ये दवा नहीं मिली मेरा बच्चा मर जाएगा। वो तो जाइए ना उसी डॉक्टर के पास, या किसी खैराती हॉस्पिटल में बच्चे को भर्ती करा दीजिए। हाँ, आपको क्या चाहिए मेरे साहब? Thank you.
औलाद से बे औलाद रहना बेहतर है। अपना बोया हुआ ही अपने आगे आता है प्राण। आज तू सारे बाजार में भीख मांग रहा है और तुझे कोई भीख देने को भी तैयार नहीं। तूने मुझे भी इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। सहारा देने वाले सारे बाजू काट कर तूने फेंक। लेकिन फिर भी टूटी हुई बाहें ही गले में पड़ती हैं प्राण। जिस भाई को तूने दर बदर कर दिया था उसी भाई ने मां की सोने की मूर्ति चुरा कर तुम्हें जेल से छुड़ाया। नहीं, नहीं चाचा, मेरा जुर्माना तो ताराचंद ने भरा है। अभी तक तेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, ताराचंद ही तो तेरा नाश करने वाला है। पगले, मां की ममता को ठोकर मार कर गैरों का सहारा लेता है। अगर दुखों से छुटकारा पाना है तो मां के चरणों में जा। जो मां को दुखी करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता प्राण, कभी सुखी नहीं रह सकता। किसकी मां और किसका बेटा? तू हमारे लिए मर गया और हम तेरे लिए। निकल जा यहां से, निकल जा। काका, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। बापू की पगड़ी को बेचा, मां की ममता को ठकराया। सिर्फ एक बार मां के चरण छू लेने दो, मैं जिंदगी भर तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। मां, निकल जाओ यहां से। तो हाजी की गोद से पैदा नहीं हुआ। एक बार निकल जाओ यहां से। अगर तू इस घर की बहू है तो उस नालायक का मुंह कभी नहीं देखेगी, समझी? नहीं देखूंगी, मैं अपने बच्चे का मुंह नहीं देखूंगी। मैं इस घर की बहू हूं, मैं मां नहीं हूं। मैं अपने बच्चे का मुंह कभी नहीं देखूंगी, कभी नहीं। इतनी देर कहाँ लगा दी? मुन्नी की हालत बहुत खराब है, डॉक्टर को बुला दीजिए। आप बोलते क्यों नहीं है? बताइए ना क्या हो गया है? दवाई कहाँ है? दवाई? दवा? दवा तो काले बाजार में मिलती है। बहुत से मासूमों की बद्दुआएं लगी हैं हमारे बच्चे को, अब दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं बचा सकती। नहीं नहीं, मैं धन इकट्ठा करना चाहता था। तुम चाहती थी कि सोने चांदी में लदी रहो, तुम्हारा रमेश बड़ा होकर बड़ा आदमी बने। जानती हो ये सब कुछ करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। दया धर्म के दरवाजे बंद करके तजोरी के दरवाजे खोल दिए, हजारों माओं की कोख पे लात मारकर उनके बच्चों को तड़पा तड़पा के मार दिया। आज हमारा बच्चा हमारे सामने तड़प रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता? अब तक तो ऐसे ही होता आया है। मेरे बाबूजी मुझे ईमानदार आदमी बनाना चाहते थे लेकिन न बना सके। हम अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं लेकिन नहीं बचा सकेंगे। भगवान के लिए ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। माँ की छाती पे हमने काले बाजार की दीवार चुनी, बाप की पगड़ी का बहाना बनाकर हमने भाइयों को धोखा दिया है। ये दीवार नहीं खून की लकीर है, ये बंटवारा नहीं बेईमानी है। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मेरे बच्चे की जान बचा।
कहीं से भी दवाई ले आओ, कहीं से भी दवाई ले आओ। कहां से लाऊं कला, कहां से लाऊं? मैं पैसे लेकर लोगों को दवा नहीं देता था, अब बिना पैसे मुझे कौन देगा? वो है ताराचंद। वो? हाँ, यही है तुम्हारा घर बर्बाद करने वाला। ये किस तरह काबू आ जाए तो बच्चे के लिए दवा भी आएगी और तुम्हारी मासी की मूर्ति भी आ जाएगी और शायद बचा हुआ माल भी मिल जाए। हैं? ठीक है चाचा। शाबाश। जी आइए आइए। अरे कमाल है क्या? बिल्कुल पहचान लिया, बहुत अच्छे। अरे हमारा तो धंधा ही है। जी कमाल है। एक मिलती है। मिलती? जी करम फल की। करम फल? जी देसी दवाई। देसी दवाई का धंधा हम नहीं करते। मगर मैं अंग्रेजी बीमारी का इलाज देसी दवाई। अरे एक है मेरी मौसी, तीन है उसके बेटे, उनमें से एक का नाम है प्राण, जिसका तुमने माल है खाया। खाया? मैंने नहीं खाया। सोच लो। नहीं खाया। खाया? बहुत अच्छे। अब जो माल तुमने खाया उसमें से थोड़ा सा बचाया? नहीं, मैं सब खा गया। हंसते बसते घर को बर्बाद करके तुम भी आराम से नहीं रह सकते। पुलिस 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 का फैसला चाहिए तो बुलाओ पुलिस को, वरना हम दोनों भी फैसला कर सकते हैं। चाचा मेरा ख्याल है घर में ही फैसला हो जाए। हाँ। मुझे सोच लो। जल्दी सोच लो ताराचंद। ताराचंद जल्दी सोच लो, बच्चा मर रहा है, मौसी इंतजार कर रही है। ताराचंद जल्दी। कहाँ से लाऊं कला, कहाँ से लाऊं? मैं पैसे लेकर लोगों को दवा नहीं देता था, अब बिना पैसे मुझे कौन देगा? Thank you.
दिन तूने बाप की पगड़ी का हिस्सा मांगा था, मैंने नहीं दिया। आज ले ली मुन्ने के लिए। माँ नहीं मरेगी, माँ नहीं मर सकती। माँ जानती है कफन के लिए भी घर में पैसे नहीं है। माँ माँ तोड़ दो उसकी बात, तोड़ दो। तुमने घर के टुकड़े किए थे प्राण, आज माँ के भी टुकड़े करो। माँ के टुकड़े करोगे तो दीवार से निकलेगी। ममता का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, तू इस घर की मां है। चलिए घर में जल्दी, डॉक्टर साहब चलिए। मौसी, सुहागी सुहागी देख तेरे ठाकुर आए हैं, हमसे नाराज हो गए थे ना, क्या तू इन्हें नहीं रिझाएगी? उठ उठ बेटा, मामने रिझा। सारे बेटे तुझे पुकार रहे हैं, आंखें खोल दे बेटा, एक बार आंखें खोल दे बेटा। मौसी, आज भी तेरी ममता इनकी आवाज नहीं सुनेगी। माँ, सुहागी सुहागी मुन्ना, मुन्ना बेटा, बेटी को कहता था ना
दादी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। देख बेटा, मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। मेरी तरफ देख बेटा, मेरी तरफ देख। मम्मा आंखें खोलो बेटे। हाँ बेटा, आंखें खोल बेटा। दादी माँ भैया, प्रणाम प्रणाम। राय साहब, रात ही मुन्नी की शादी शहना जी। मार इस दीवार के टुकड़े बांटो मिलके प्यार।